सर आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर राजेश कुमार, जिला अस्पताल में फिजिशियन के पद पर कार्यरत हूँ। सर हम ये जानना चाहते हैं, कोविड वैक्सीनेशन को लेकर मेरा एक सवाल है कि जो व्यक्ति कोविड का वैक्सीनेशन नहीं लेता है, क्या वो किस हद तक कोविड को फैला सकता है? कोविड का वैक्सीनेशन एक बचाव का तरीका है। कोविड का जो वैक्सीनेशन नहीं लगवाता है उसे कोविड से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। और कोविड फैलाने की जहाँ तक बात है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीन यदि नहीं लगवाया है तो संक्रमण फैलाएगा। जब तक कि वो खुद संक्रमित नहीं होता है कोविड से, तब तक वो संक्रमण नहीं फैला सकता है। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक स्टेटमेंट दिया कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी व्यक्ति को प्रेशराइज नहीं कर सकती टीके के लिए, तो ये इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं एज अ डॉक्टर कि अगर कोई नहीं लगवाया वैक्सीनेशन तो वो किस हद तक फैला सकता है? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि है, लेकिन कोविड का वैक्सीनेशन लगाना कोविड के बचाव का एक अभिन्न अंग है। कोविड का वैक्सीनेशन सरकार मुफ्त में मुहैया करा रही है, उसे लगवाना उचित है और जहाँ भी सुविधा हो इसका लाभ उठाएं। सर आज सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया कोविड वैक्सीनेशन को लेके, तो ये किस कानूनी प्रक्रिया के तहत ये जो डिसीजन आया है वैक्सीनेशन को ना लगवाने का, तो ये क्या है जरा इसको बताने की कोशिश। देखिए, वैक्सीनेशन एक्ट सबसे पहले 1880 में आया। वैक्सीनेशन एक्ट ब्रिटेन काल का था कि वैक्सीनेशन एक्ट उन्होंने लागू किया, बाद में वैक्सीनेशन उन्होंने अनिवार्य कर दिया। बाद में 1897 में एपिडेमिक एक्ट बना, महामारी अधिनियम। महामारी अधिनियम की सेक्शन 2 ने स्पष्ट कहा कि जो व्यक्ति संक्रमित है वो कहीं भी बाहर खुले में लोगों से मिलते हैं जुलते हैं तो उसको प्रतिबंधित किया गया, और राज्य सरकारों के सेक्शन 2 के अंतर्गत कानून बनाने की परमिशन दी गई कि राज्य सरकार चाहे तो संक्रमण को रोकने के लिए कोई भी कानून बना सकते हैं। एपिडेमिक एक्ट का सेक्शन 2 वर्तमान समय में पोजीशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने में ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना का टीका लगवाना या न लगवाना लोगों के व्यक्तिगत निजता का अधिकार है। अब भारत में संक्रमण की जो स्थिति है काफ़ी कम है, तो संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आप इसको अनिवार्य नहीं कर सकते कि कोरोना का टीका मस्ट हो या एकदम अनिवार्य हो लगाना। इसके पहले मेघालय हाईकोर्ट ने भी रोक लगाया, मेघालय में दुकानदारों और जितने पटरी व्यवसायियों सबको अनिवार्य किया गया था राज्य सरकार ने कि अगर कोरोना का टीका ये नहीं लगवाते तो ये व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेघालय हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने पुनः उसे अपना स्थापित कर दिया कि भारत में कोरोना के संक्रमण की स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसे अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। एशिया नेट न्यूज़ हिंदी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ रजत भट्ट। आपको बता दें, इस वक्त गोरखपुर के जिला अस्पताल में खड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया जिसमें कहा गया कि अब गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को कोविड टीके के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकती, और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां पे बिना टीका वाले व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाता है, जो पब्लिकली वहां पे खोला नहीं जाता है, क्योंकि वहां पे सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनको टीका लगा है। अब इस संदर्भ में हमने गोरखपुर जिला अस्पताल के डॉक्टर से भी बात की कि क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया किस हद तक सही है और किस हद तक नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो सर्वोपरि है, लेकिन उसके बाद भी हमने डॉक्टरों से बात की, और वहीं किस संविधान के किस कानूनी प्रक्रिया के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने किस कानूनी प्रक्रिया को कोर्ट किया इसको भी लेके हमने कुछ वकीलों से बात की, जहाँ पे हमने जाना कि किस कानूनी प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया। एशिया नेट न्यूज़ हिंदी।